कितनी बार होती है? किसी किसी गाने में कभी ज़रूरत ही नहीं होती, हो जाता है। कोई कोई गाने में बहुत चेंजेस, यदि हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो बहुत थोड़े से माइन्यूटली चेंज होते हैं, यदि किसी और के लिए कर रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है तो चेंजेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज इंडिपेंडेंटली तो जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तब तक छोटे छोटे आई फील लाइक वोकली इतने नहीं होते अच्छा क्योंकि एक बार इनको रिकॉर्ड कर लिया तो मेरे पास मिल जाता है सारा जो भी है, पूरा कंटेंट मेरे पास, मैं बैठ के एडिट करता रहता हूँ। फिर कभी बहुत रेयर केसेस में अगर ऐसा लगता है कि एक लाइन का एक्सप्रेशन और अच्छे से गाया जा सकता है तो फिर कर लेते हैं, बट मेजरली मेहनत उसमें ज़्यादा जाती है, लाइक उसमें ज़्यादा इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू मेक म्यूज़िक, कि कैसे उसको डिज़ाइन करें, कैसे आप अलग अलग पोर्शंस लेके आओ सो दैट इट डजंट बिकम वेरी मोनोटोनस और समथिंग लाइक दैट, लाइक कैसे आप गाने में और डायनामिक बिल्ड कर सकते हो। और जितनी बार भी सुनते हैं, जैसे आज बनाया कल उसको सुनेंगे तो कुछ और आएगा थॉट कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, चेंज कैसे करें। तो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ 7 to 8 days। हाँ, मतलब गाना हो जाता है वैसे एक हफ्ते के अंदर, एक पूरा हफ्ते में हो जाता है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक फाइनल के एक वर्जन पहले वाला। हाँ, अच्छा, वो हफ्ते भर। हाँ, फिर आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है टू लिव विद द सॉन्ग, और क्योंकि आप इतनी बार सुन लेते हो ना स्टूडियो में, करेक्ट, यू नीड सम टाइम टू लाइक जस्ट एक दो दिन बाद सुनो, गाड़ी में सुन लो या कहीं और सुन लो, तो फिर आपको पता लगता है कि भाई आप अलग इन्वायरमेंट में जब होते हो तो आप एक तरीके से उस गाने को और 50 गानों की तरह ट्रीट करते हो।